हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं वर्ड वर्ड मेड वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मन लुईस की जो ये बुक है, बहुत ज़्यादा फेमस बुक है जो मतलब कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं उनके लिए। और इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, जो अगर आपको कोई बताता है ना रूट वर्ड, तो रूट वर्ड सारे के सारे इसी ने बताए हैं। ये जो बुक है, जिसने कर ली उसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नाम से जो एसएससी के एग्जाम में बहुत सारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी में से आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। जो ये है वो आपका बेस तैयार कर देगी, आपको इजी करा देगी याद करने में, ना इसमें कोई ट्रिक आपको करनी है। ये आपको एक कॉन्सेप्ट देगी कहाँ से कोई वर्ड निकल के आया है उस चीज़ के, और उस जो भी कोई वर्ड जैसे फोबिया कहाँ से निकल आया है, फोबिया का मतलब क्या होता है, फिर इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड ये आपको याद कराएगी। तो एक इससे ऊपर तो मैं कह सकता हूँ कि कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने वर्ड वन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अगर को अपना तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप याद करना चाहते हैं, इससे बेटर तो कुछ है भी नहीं। और जितनी भी वीडियो आप देखते हैं कि आपको कोई ट्रिकी वे से करा देंगे, रूट वर्ड करवा देंगे, जो रूट वर्ड होते हैं वो इसी अपने जो बुक है नॉर्मन लुईस की, जो इनकी बुक है, इन्होंने ही वो रूट वर्ड दिया है। इन्हीं से सारे के सारे वो रूट वर्ड निकल के आए हुए हैं, इन्होंने बता रखा है। और आप अगर परचेज करना चाहें तो ये बुक परचेज भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। और जो इसमें हम करने वाले हैं सारे के सारे जो इसके सेशन हैं सारे हम करेंगे यहाँ पे, कवर करेंगे। करीबन करीबन 50 सेशन होंगे यहाँ पे, वो सारा का सारा हम कंप्लीट करेंगे। और आज हम इसी के साथ साथ जो आज हमारा पहला सेशन स्टार्ट हो रहा है, और इसी में क्या होगा कि जो बुक में दिया है सेम टू सेम डिटो यही मिलेगा आपको। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी नीचे, जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का एक लिंक दिया है उसमें आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। जो भी आज मैं करवाऊंगा उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं ये मतलब कि अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, उससे पहले पहले मैं डाल चुका हूँगा, तो आप बेशक वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। इसमें मैंने प्रैक्टिस भी आप लोगों की साथ ही साथ कराई है, तो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है बट इंटरेस्टिंग है। आपको वो वर्ड, आज की डेट में हम 10 वर्ड करने वाले हैं, ये 10 वर्ड आप भूलोगे नहीं। और इन्हीं 10 वर्ड से आगे क्या होगा, जो भी अगला लेसन आएगा, ये जो पहला पार्ट 1 है, जो पार्ट 2 आएगा, इन्हीं 10 वर्ड्स के ऊपर मतलब कि डिपेंड होगा, इन्हीं 10 वर्ड्स के ऊपर बनाया हुआ होगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो फिर ये जो हमारा फर्स्ट सेशन है, पहले का थर्ड है, यानी जो सेकंड और फर्स्ट जो सेशन सीजन 1 का जो फर्स्ट और सेकंड जो हमारा जा चुका है उसमें इतना कुछ खास नहीं था, इसलिए मैंने वो नहीं करवाया, सीधा थर्ड से स्टार्ट कराया, यहीं से देखेंगे हम। अब ये जो बता रहा है कि हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनैलिटी टाइप्स, ये हमें बताएगा कि कैसे हम पर्सनैलिटी जो होती है हमारी, किस कैसी कैसी पर्सनैलिटी होती है। कोई बंदा दयालु होता है या फिर कोई बंदा घमंडी होता है, कुछ किसी की कैसी पर्सनैलिटी होती है, या कोई अकेला रह के खुश होता है या दूसरों के साथ खुश रह के दूसरों के साथ खुश होता है काम करके, इन सब की पर्सनैलिटी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। टोटल हम 10 वर्ड्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी इसके बारे में जो थोड़ा मोटा रिव्यू है यहीं पर मैं आपको दे देता हूँ। जो हम इसमें बताने वाले हैं, व्हाट वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब योर पर्सनैलिटी इफ यू, अगर कौन से आपकी पर्सनैलिटी है, आपको खुद भी इसमें देखना पड़ेगा कि आपकी पर्सनैलिटी को कौन सा मैच करता है। मे बी आप मैच कर जाए कि आप कैसे हो, घमंडी हो या फिर आप दयालु हो या कुछ भी, क्लियर। जैसे कि आर इंटरेस्टेड सोलेली इन योर ओन वेलफेयर, मतलब कि आप अकेले अपने वेलफेयर में खुश रहते हो कि आप अपना ही भला करना चाहते हो, दूसरों का नहीं करना चाहते, या कॉन्स्टेंटली टॉक अबाउट योर सेल्फ, या लगातार सिर्फ अपने बारे में ढींगे मारते रहते हो, बोस्टफुल कहते हैं उसको, ढींगे मारना, या डेडिकेटेड योर लाइफ टू हेल्पिंग अदर, या अपनी लाइफ में किसी और की मदद करने के मतलब डेडिकेटेड हो, टर्न योर माइंड इनवर्ड, या खुद ही अपने अकेले मतलब अकेला रह के खुश हो, या टर्न यहाँ पर टर्न आना था, टर्न योर माइंड आउटवर्ड, या दूसरों के साथ रहकर आप खुश होते हो, या आप क्या मतलब कि इस मनुष्य जाति से नफरत करते हो, या औरतों से नफरत करते हो, या शादी से नफरत करते हो, या आप एक सन्यासी जीवन बिताते हैं, बिताना मतलब कि उसे आपको पसंद है। तो ये इस टाइप के 10 वर्ड आप याद करने वाले होंगे। ये एक रिव्यू है कि हम ये जो है आपको क्लियर भी हो गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं, तो ये 10 वर्ड जो है हम करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पर क्या बोलता है कि
एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ वन वे और अनदर यूनिक, मतलब कि इन वन वे और अनदर, एक हर एक जितने भी इंसान होते हैं, हर एक का अपना अपना एक नेचर होता है, ये बोलते हैं। एवरी वंस पर्सनैलिटी डिटरमाइंड बाय कम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर मतलब कि हर एक की पर्सनैलिटी क्या बोलते हैं, कि हर एक की पर्सनैलिटी क्या होता है, कि वो किससे डिसाइड होती है, जो भी उसके जेनेटिक्स होते हैं, जैसे उसके घर में जैसा भी होता है उस व्यवहार से, या जो उसके आस पड़ोस एनवायरनमेंट मतलब कि एटमोसफेयर उसको कैसा मिलता है, कैसे उसके दोस्त मिलते हैं, या उससे उसकी पर्सनैलिटी डिसाइड होती है। अच्छी मतलब कैसे उसके दोस्त होते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, अच्छे मैनर से करते हैं, तो उसकी पर्सनैलिटी भी एक अच्छी निखर के आती है। लेट अस एग्जामिन 10 पर्सनैलिटी टाइप, वन ऑफ विच माइट बाई चांस बी योर वेरी ओन। तो हम ये कह रहे हैं कि एक हम एग्जामिन करते हैं 10 पर्सनैलिटी, और हो सकता है कि शायद आपकी पर्सनैलिटी उसमें से काफ़ी मिलती जुलती हो। दैट रिजल्ट फ्रॉम दी वे कल्चर, जो आपकी कैसे होगी, कल्चर के अकॉर्डिंग हो सकती है, आपकी ग्रोथ कैसे हुई, या फैमिली बैकग्राउंड था कैसा, या एनवायरमेंटल इंटरेक्ट कैसा था, या इसी के साथ जन्म जात से मतलब कैसे वहाँ पे आप रहे हो, उससे आपकी वो पर्सनैलिटी निखर के आती है। एंड ऑफ कोर्स वी बिगिन नॉट विद वर्ड्स बट विद आइडियाज़। हम ये स्टार्ट करने वाले हैं केवल वर्ड्स के साथ नहीं, एक आइडिया के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो वर्ड आएगा हमारे सामने क्या होता है, मी फर्स्ट, यानी मैं पहले। मी फर्स्ट यानी मैं पहले। अब क्या मतलब है, ये बोलते हैं योर एटीट्यूड टू लाइफ इज सिंपल। तुम्हारा जो एटीट्यूड है लाइफ के प्रति बड़ा सिंपल है, डायरेक्ट है, एंड अबोव बोर्ड मतलब कि स्पष्ट रूप से, एवरी डिसीजन यू मेक इज बेस्ड ऑन द आंसर टू वन क्वेश्चन। मतलब कि जो तुम्हारा एटीट्यूड है बड़ा ही लाइफ से बड़ा ही सिंपल है, डायरेक्ट है, और स्पष्ट रूप से एक ही डिसीजन आप लेते हो, वो ये लेते हो, आप अपने आप से क्वेश्चन मतलब अपने आप से नहीं, जो भी क्वेश्चन पूछते हो किसी से, एक क्वेश्चन के ऊपर आपका एटीट्यूड मतलब डिपेंड करता है, वो क्या होता है, व्हाट्स इन इट फॉर मी, इसमें मेरा क्या फायदा, या इसमें इसे मैं करूं तो इससे मुझे क्या होगा, इसी चीज में आप हर चीज में आप पूछते हो। इफ योर सेल्फिशनेस, ग्रीड होता है लालच, रूथलेस होता है क्रूर, डिजायर फॉर सेल्फ एडवांसमेंट, कि जो तुम्हारी जो लालची और क्रूर डिजायर होती है खुद को ऊपर उठाने की, और हर्ट करते हो अदर पीपल, हर्ट अदर पीपल और दूसरों को हर्ट करते हो, दैट्स टू बैड, ये जो बुरी चीज है, दिस इज ए टफ वर्ड। तुम सोचते हो कि एक जो वर्ल्ड है, जो ये दुनिया है, एक बहुत मुश्किल मुश्किल है। पाल यानी होता है दोस्त, यहाँ पर जो दोस्त हो गए, डॉग ईट होता है, कंपटीशन होता है यहाँ पे, एंड ऑल दैट, एंड और बाकी सभी, एंड आई और मैं भी, फॉर वन आई एम नॉट गोइंग टू बी लेफ्ट बिहाइंड, मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं छोड़ के जाने वाला, ना अपने दोस्त के लिए, ना किसी और चीज के लिए भी, मैं यहाँ पे किसी के लिए कुछ नहीं छोड़ के जाने वाला, मतलब कि मैं ही यहाँ हूँ, मैं अपने आप को प्रथम रखूंगा, मेरा मैं कोई मतलब कि आपसे कोई चीज पूछने आए, कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, कि मतलब कि मैथ का कोई क्वेश्चन आपसे पूछे, कि भाई मुझे ये मैथ का क्वेश्चन बता दो, तो आप उसमें आप पता है क्या करोगे, अगर आप इस टाइप के बंदे होगे, तो आप ये कहोगे कि मैं ये क्यों बताऊं, इसमें मेरा क्या फायदा है, तो आपका उसमें लालच होगा, क्रूर होगा, भले ही आप उस चीज को छोटा सा क्वेश्चन, आप भले ही दूसरों को हर्ट करते हो उस चीज पे, जो एक बहुत बुरी चीज है, तो आप इस चीज पे बोलते हो कि भाई मैं क्या करूं, ये दुनिया ही ऐसी है, यहाँ पे कंपटीशन है, मैं यहाँ अकेला हूँ, मतलब कि मैं सिर्फ अपने लिए ही हूँ यहाँ पे, और मैं किसी के लिए यहाँ पे कुछ भी छोड़ के नहीं जाने वाला। क्लियर, यहाँ पे जो अपने आप को प्रथम रखता है, तो वो बंदा क्या होता है, एन इगोइस्ट वो होता है, एक इगोइस्ट पर्सन। क्लियर, यहाँ पे एक इगोइस्ट पर्सन होता है जो अपने आप को पहले रखता है। तो आपने काफी सारे अपने दोस्तों में भी देखा होगा, कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो सिर्फ और सिर्फ अपना लालच देखते हैं, भले ही वो दूसरों को हर्ट कर दें, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं होता। बहुत से आपकी लाइफ में से मिल जाएंगे आपके दोस्त, या फिर आपने कभी किसी शॉप पे देखा होगा, या किसी में अपने पड़ोसियों में देखा होगा, नेबर में मतलब कि नेबर में हो गया, किसी में रिलेटिव में, ऐसी चीज आप देखने को तो मिल ही जाता है। इगोइस्ट एक पर्सन है जो होता है बहुत लालची होता है, सिर्फ और सिर्फ अपने ही फायदे के लिए बात करता है वो, और वो ऐसा बंदा होता है जो ये है कि अपने पीछे किसी के लिए कुछ भी नहीं छोड़ के जाने वाला, जो होगा वो अपने लिए ही लेके जाएगा साथ में। क्लियर, यहाँ पे तो वो होता है इगोइस्ट, एक इगोइस्ट पर्सन होता है। क्लियर, यहाँ पे एक इगोइस्ट पर्सन, आपको ध्यान रखना है कि इसकी स्पेलिंग कैसी है, इगोइस्ट है, ठीक है, इगोइस्ट, EGOIST, एक इगोइस्ट पर्सन। क्लियर, यहाँ पे ये था फर्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड आप चलते हैं। मैंने साथ ही साथ यहाँ पे आपका क्या लिखा है, एक हिंदी भी लिखा था कि आपको ये चीजें पढ़ने में भी बड़ी आसानी रहे।
द हाइट ऑफ कंसीट, कंसीट यानी गुमान, एक घमंड होता है, एक हाइट, एक घमंड की भी एक ऊंचाई। आप कहते हो कि यार देख कितना घमंडी बंदा है यार, हर चीज का घमंड तो बहुत ऊंचा है, करते हैं नहीं? तो एक वही चीज है, एक घमंड की, एक द हाइट ऑफ कंसीट मतलब कि घमंड की भी हाइट यहाँ पर देख रहे हैं हम। नाउ लेट सी, अब हम देखते हैं, हैव यू हर्ड अबाउट ऑल द मनी आई मेकिंग? आपने कभी सुना होगा किसी अपने रिलेटिव से या नेबर से कोई कहते हुए कि ये सब मैंने बनाया है, ये जो रुपया है वो मैंने बनाया है, तो आपने सुना ही होगा ये। डिड आई टेल यू अबाउट माई लेटेस्ट एमोरियस कॉन्क्विस्ट? और वो फिर आपको बोलता है, यानी ये चीज़ तो आपने सुनी होगी, वो सिर्फ ये बोलता है कि ये पैसा मैंने बनाया है, तुम्हें कैसे पता कि मैंने पैसा कैसे कमाया, सिर्फ अपनी ढींगे मारना। या फिर वो ये कहता हो आपको मिलेगा, कोई आपका दोस्त आपको ये कहता हो मिलेगा, जैसे कि आप मान लो कि आप पीजी में रह रहे हो, कॉलेज में पढ़ते हो, कि आप क्या हो, आपके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और आपका जो दोस्त है वो बड़ा ही मतलब कि एक एमोरियस प्रेम संबंध यहाँ पे बड़ा ही मतलब कि एक छिछोरा टाइप का बंदा है और वो ढींगे मारता है लड़कियां, मतलब कि लड़कियों को अपने कहना तो नहीं चाहिए, वो पटा लेते हैं, मतलब कि ऐसी चीज़ों को। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता भाई, फेमिनिस्ट वो, उसमें मुझे कहीं टारगेट करो, ऐसे कुछ चीज़ें मैं कहना नहीं चाहता, सिंपल सी बात है कि बस ये समझाने के लिए। तो वो उन लड़कियों को मतलब कि अपने प्रेम संबंध में ऐसे फंसा लेता है, तो फिर वो आपके सामने आके ढींगे मारता है कि डिड आई टेल यू, वो कहता है कि क्या मैंने तुम्हें अपने बताया, डिड आई टेल यू अबाउट माई लेटेस्ट एमोरियस कॉन्क्विस्ट, कि मैंने एक नया एक विजय प्राप्त किया, मतलब जीता हूँ एक ऐसी किसी लड़की को अपने प्रेम संबंध में फंसाने में। क्लियर? यहाँ पे वो ऐसे ढींगे मारते, कहते हैं कि आज मैंने एक नई गर्लफ्रेंड बनाई है, तुझे पता है यार ऐसी ऐसी है। तो आप सुनते भी हो कॉलेज लाइफ में, ऐसी चीजें सुनी भी होंगी, और यार स्कूल लाइफ में भी ऐसी होती है। लेट मी गिव यू माई ओपिनियन, आई नो बिकॉज आई एम एन एक्सपर्ट एट पर्टिकुलर एवरीथिंग। और फिर आप जाते हो कि आप मतलब कि ये एक चीज होगी, यहाँ तक कोई आपको कहता हो ये मिलेगी कि मैंने कितनी कितने पैसे, मैंने कैसे मैंने पैसे कमाए हैं, फिर आपको कोई एक दोस्त आपको ऐसे बोले कि यार देख तुझे पता है मैंने एक नई गर्लफ्रेंड बनाई है, मैं कैसे जीता हूँ उसे बनाने में, ये चीज। या आपको फिर कोई एक ऐसा दोस्त आपको मिलता है, या फिर ऐसा कोई पड़ोसी, ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिलता है जो सिर्फ ये बोलता है कि मैं हर चीज में एक्सपर्ट हूँ, ये चीज मैं कर लूंगा, बहुत आपके दोस्त मिल जाएंगे। इवन मेरे भी दोस्त ऐसे होते हैं कि जो कॉलेज टाइम में थे वो बड़ा ही डिंगे मारते थे, कहते यार ये चीज तो मैंने भी की हुई है, ये चीज मेरे भी की हुई है, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, ये चीजें मैं कर लूंगा। तो वो क्या होता है, यू आर बोस्टफुल। अगर आप ये चीजें आप अगर ये आप खुद करते हो तो आप क्या कर रहे हो, डिंगे मारना, बोस्टफुल होता है डिंगे मारना, टू द पॉइंट ऑफ ऑब्नॉक्सियस, एक अप्रिय ढंग से। यू हैव ओनली वन स्ट्रिंग टू योर कन्वर्सेशनल वॉयलिन। तो अगर एक कन्वर्सेशनल वॉयलिन, एक वॉयलिन होता है उसमें एक जैसे तार होते हैं ना, जो वॉयलन होता है, पता नहीं मुझे नहीं पता किस टाइप का होता है, एक वॉयलन होता है इसी टाइप का होता होगा, उसमें काफी सारे तार होते हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि एक उस कन्वर्सेशन वॉयलन, एक वॉयलन होता है, एक कन्वर्सेशन टाइप का, मतलब बोल बताने में कि इमेजिनरी टाइप में बोलते हैं, एक वॉयलन होता है ना बजाने वाला, उस कन्वर्सेशन में सिर्फ एक ही तार है, और वो तार ये है कि बस आप उस तार को बजाते रहो, और क्या है कि आप बता क्या रहे हो अपने बारे में, सिर्फ योर सेल्फ, एंड इट ऑन यू प्ले ए नंबर ऑफ मोनोटेनियस, एक ही लय आप गाते रहते हो, वेरिएशन, व्हाट यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, व्हाट यू हैव डन, तुमने क्या किया, हाउ गुड यू आर, तुम कितने अच्छे हो, हाउ वुड यू सोल्व द प्रॉब्लम, तुम कैसे इस सोल्व को प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड, हाउ यू वुड सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ वर्ल्ड, तुम कैसे इस देश की समस्या को या संसार की समस्या को दूर कर सकते हो, एंड एटसेट्रा, एंड नौसियम, नौसियम होता है बारम्बार, और ये चीजें आप लगातार लगातार करते रहते हो करते रहते हो। तो ये हो गया आपके सामने एक घमंडी, एक ऐसा बंदा जो अपने ही ढींगे मारता रहता है, अपने ही बारे में बड़ाई करता रहता है, दी हाइट ऑफ कंसीट, गुमान। क्लियर यहाँ पे? तो इस बंदे को आप क्या बोलोगे, इगोटिस्ट। ध्यान देने वाली बात है, पिछला वर्ड था इगोइस्ट, यहाँ है इगोटिस्ट, इगोटिस्ट वहां था इगोइस्ट, जो सिर्फ लालची बंदा है, दूसरे को हर्ट करता है, वो यहाँ पर ढींगे नहीं मारता है, सिर्फ लालची बंदा है। यहाँ इगोटिस्ट में क्या है, ये ढींगे मारते हैं, अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है, अपने गुमान को ऊंचे दिखाने की कोशिश करते हैं। क्लियर यहाँ पे इगोटिस्ट? और इगोटिस्ट तो हमारे रिलेटिव भी बहुत मिल जाते हैं, वो जो थोड़ी थोड़ी देर में ताने मार देते हैं ऐसे बंदे। क्लियर यहाँ पे? अभी फिलहाल क्या होते हैं, अब एग्जाम के रिजल्ट आते हैं तो फोन कर करके आते हैं ना कि यार मेरे बेटे ने तो इतने नंबर लिए, तेरे बेटे ने कितने लिए, मतलब वो एक गुमान दिखा रहे हैं। देखो वो करते हैं, लेकिन दूसरे को चिढ़ाने के तरीके से भी वो करते हैं, तो एक इगोटिस्ट बंदा होता है वहां पे। क्लियर? यहाँ पे इगोइस्ट हो गया, इगोटिस्ट हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, थर्ड वर्ड है लेट मी हेल्प यू। ये होता है कि आप कहीं जा रहे हो और कोई बुजुर्ग इंसान आपको मिलता है और
उससे गेट नहीं खुल रहा है या फिर कोई चीज उठाई नहीं जा रही, तो आप क्या कहते हो, लेट मी हेल्प यू, मुझे आपकी मदद करने दो। क्लियर? यहाँ पे यू हैव डिस्कवर्ड द सीक्रेट ऑफ ट्रू हैप्पीनेस कंसर्निंग योर सेल्फ विद द वेलफेयर ऑफ अदर। आपने क्या किया, डिस्कवर यानी खोज लिया है एक सच्चा सच्ची मतलब सच्ची खुशी, सच्ची खुशी आपने खोज लिया है, और वो क्या है कि आप दूसरों की वेलफेयर यानी दूसरों का भला करके आप खुश रह सकते हो, तो आपने ये खुशी खोज ली है। नेवर माइंड योर ओवन इंटरेस्ट, आप कभी भी अपने मतलब इंटरेस्ट को पहले नहीं लाते हो, आप अपनी इच्छा को पहले नहीं लाते हो। हाउ इज द नेक्स्ट फेलो गेटिंग अलोंग, मतलब कि अब आप क्या बनते हो यहाँ पे, आप क्या हो यहाँ पे, आप हो एक एन एल्ट्रुइस्ट पर्सन, एक एल्ट्रुइस्ट पर्सन हो आप यहाँ पे, यानी दूसरों का भला करने वाला। यहाँ पे आप अपने माता को देखते हो, जो क्या होता है कि आपकी माँ जी होती है, वो कभी कभी खाना कम होता है तो खुद कम लेके तुम लोगों मतलब कि अपने बच्चों को ज्यादा दे देती है, तो वो जो आप माँ है वो वहां पे एल्ट्रुइस्ट है, क्योंकि उसने अपना भला ना देख के अपने बच्चे का भला पहले देखा, तो वो होता है एल्ट्रुइस्ट। क्लियर यहाँ पे? नेक्स्ट। ओके, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, आप में जो भी देख रहे होंगे इनके मतलब कि काफी मुझे लगता है कि ये काफियों को सूट करता होगा, ये वाला ये जो बिहेवियर है, ये जो पर्सनैलिटी टाइप है जो भी मैं बताने वाला हूँ, ये काफियों को सूट करेगा। लाइक ए बायोकेमिस्ट, एक बायोकेमिस्ट होता है स्टडिंग ए कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया अंडर माइक्रोस्कोप। एक यहाँ तक कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ तक एक बायोकेमिस्ट होता है जो क्या करता है, एक बैक्टीरिया होते हैं ना, उसकी स्टडी करता है वो बंदा माइक्रोस्कोप में। ठीक है, वो ऐसे कर रहा है, मान लो तुम हो, तुम क्या करते हो, एक बायोकेमिस्ट हो और तुम क्या कर रहे हो वहां पे, स्टडी कर रहे हो माइक्रोस्कोप में। क्लियर? यहाँ पे बैक्टीरिया की, फिर क्या होता है, यू मिनटली हर मिनट तुम हर 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 मिनट योर यू योर एवरी थॉट फीलिंग एंड एक्शन, हर मिनट आप क्या करते हो, मतलब यही चीजें आप करते रहते हो, और अपनी एग्जामिन योर एवरी थॉट। आप अच्छा, यू मिनटली एग्जामिन योर एवरी थॉट फीलिंग एंड एक्शन, और हर मिनट तुम क्या करते हो, अपने ही जो सोच है उसको एग्जामिन करते हो कि मैंने क्या सोचा, ये मैंने क्या किया, क्या आप फील कर रहे हो, ये हर चीज। प्रोबिंग, प्रोबिंग होता है मतलब जांच पड़ताल करना। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल होता है व्यर्थ, व्यर्थ क्वेश्चन, लाइक आप हर वक्त क्या करते हो, एक ऐसे व्यर्थ क्वेश्चन की आप जांच करते हो, जैसे कि क्या, व्हाट डू अदर पीपल थिंक ऑफ मी, तुम्हारे बारे में दूसरे पर्सन क्या सोचते हैं, हाउ डू आई लुक, मैं कैसा दिखता हूँ, एंड मे बी आई शुड नॉट हैव सेड दैट, और मुझे ये शायद नहीं कहना चाहिए। ऐसे व्यर्थ क्वेश्चन आप उनके बारे में, अभी कैसे होता है कि आप वो कुछ बोल देते हो, फिर आप उसके बारे में सोचने बैठ जाते हो, यार दूसरे पर्सन, ये दूसरे लोग क्या बोल रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे, आप कपड़े पहन के निकलते हो तो वो सोचते हैं कि यार ये दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। ऐसे फ्यूटाइल क्वेश्चन जो है अपने आप से आप पूछते हो। आर यूर कॉन्स्टेंट नैगिंग कंपेनियंस, कंपेनियंस का मतलब होता है साथी, फॉर यू आर अनेबल टू रियलाइज दैट अदर पीपल डू नॉट स्पेंड एज मच टाइम एंड एनर्जी एनालाइजिंग यू एज यू थिंक। अब क्या करते हो, तुम अपने आप बड़बड़ाते हो, साथ ही साथ अपने साथ झगड़ते हो, कहते हो कि दूसरे जो पर्सन होते हैं, दूसरे जो लोग होते हैं, वो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, उतना काम नहीं करते जितना तुम काम करते हो, जितना तुम अपने बारे में सोचते हो, दूसरा दूसरे पर्सन उतने नहीं सोचते हो। क्लियर? यू मे सीम अनसोशल, और थोड़े टाइम दिन बाद आप तुम क्या होते हो, अनसोशल हो जाते हो। ठीक है, अनसोशल के मतलब कि बाहर की एक्टिविटी आप कम कर देते हो। येट यूअर ग्रेटर डिजायर इज टू बी लाइक एंड एक्सेप्टेड, भले ही तुम्हारी कोई अच्छी डिजायर है, तुम बैक्टीरिया यहाँ पे मतलब कि एक बायोकेमिस्ट हो, एक अच्छा बैक्टीरिया, तुमने एक ऐसा बैक्टीरिया खोज दिया जो पहले कभी किसी ने खोजा नहीं था, और काफी हेल्पफुल है या जो काफी खतरनाक है, ऐसी चीजें आप खोज देते हो। ठीक है, वो भले ही हो चीजें, लेकिन तुम अनसोशल हो, मतलब बाहर की दुनिया से तुम कनेक्ट नहीं हो, लेकिन ये कहता है कि येट यूअर ग्रेटर डिजायर इज टू बी लाइक एंड एक्सेप्टेड, तुम्हारी जो डिजायर है सबसे बड़ा बनने की या कुछ भी करने की, वो एक्सेप्टेड होती है यहाँ पे। यू मे बी शाय, या तो तुम शाय, या तो ये चीज हो, तुम अपने काम में बिजी और सिर्फ अपने तुम्हें काम ही काम से मतलब होता है, या एक ये चीज होती है यू मे बी शाय और क्वाइट, और तुम शाय हो, शर्मीले हो, और क्या हो, शांत हो। अभी होता है ना कि हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं, तो काफी सारे बच्चे होते हैं जो उन मेहमान से घुल मिल नहीं पाते, वो शर्मीले होते हैं, या फिर उनको समझ नहीं आता कि हम क्या बात करें उनसे,
ये मैं खुद का ही एग्जांपल दे देता हूँ। मैं भी इसी टाइप का बंदा था, अभी नहीं हूँ। अभी मुझे लगा कि भाई ऐसे नहीं होना चाहिए, कि एक ही तो लाइफ है, घुलना मिलना चाहिए, सबसे बात करनी चाहिए। तो ऐसा होता है कि यू मे बी शाय एंड क्वाइट, यू आर ओपन मूडी एंड अनहैप्पी, और तुम कभी कभी क्या होते हो, उदास हो जाते हो, एंड यू प्रेफर सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड होता है कि एकांत को तुम प्रेफर करते हो, किसी और की कंपनी तुम महसूस मतलब कि सहन नहीं कर सकते किसी और दूसरे की। और एट मोस्ट द कंपनी ऑफ 1% टू ए क्राउड, और भीड़ में भी, एक पार्टी में आप खड़े हो और भीड़ में भी आप अपने हाथ में एक गिलास का मतलब एक गिलास लेके, कोल्ड ड्रिंक का आप लेके साइड में खड़े हो, बस आप देख रहे हो और आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। यू हैव एन एप्टीट्यूड फॉर क्रिएटिव वर्क एंड आर अनकंफर्टेबल एंगेजिंग इन एक्टिविटीज दैट रिक्वायर कोऑपरेशन विद अदर पीपल। अब क्या बोल रहे हैं कि आप भले ही मतलब कि एक क्रिएटिव पर्सन हो, आपकी मतलब एक आर्ट है आप में, आपको कुछ काम करना आता है, लेकिन आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो दूसरों के साथ काम करने में। जो मतलब अब क्या होता है कि आप अकेले वो काम नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे की आपको जरूरत पड़ती है, मतलब कि आपके पास स्टोरी है, आप उस स्टोरी के लिए आपको क्या एक डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो आप उस डायरेक्शन के लिए किसी और के साथ आपको मिलना पड़ेगा, लेकिन आप क्या हो, उसके साथ काम करने में कंफर्टेबल नहीं हो, जिसमें रिक्वायर होती है कोऑपरेशन विद अदर, दूसरे की कोऑपरेशन की रिक्वायर तो होती है। यू मे इवन बी ए जीनियस, तुम भले ही एक जीनियस हो, और तुम फिर बन क्या जाते हो अगर आपके अंदर ये सब क्वालिटी है, यू इवेंचुअली टर्न इंटू वन, एक चीज में आप बन जाते हो, वो होता है इंट्रोवर्ट, एक एन इंट्रोवर्ट, आप एक इंट्रोवर्ट बन जाते हो अगर आप एक शाय हो, क्वाइट हो, अकेले रहना पसंद करते हो, किसी के साथ घुलते मिलते नहीं हो, या आप मतलब कि जो इस टाइप के, आप हर टाइम अपने ही काम में मगन रहते हो, दूसरों के साथ कोई बातचीत नहीं होती, आप किसी के साथ आप टाइम स्पेंड नहीं करते, तो आप क्या हो, अपने ही आइडिया में खोए रहते हो, तो आप क्या हो, एक इंट्रोवर्ट। तो स्टार्टिंग में क्या था, एक लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, क्यों, मैं अपने ही मतलब एक क्राउड में, आप अकेले एक बहुत सारी क्राउड में, यहाँ बहुत सारे हैं और आप अकेले ही रहकर खुश हो, तो आप एक इंट्रोवर्ट पर्सन हो वहां पे, क्लियर। यहाँ पे आई होप सो आपको ये चारों क्वेश्चन, चारों वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट, अब एक होता है इंट्रोवर्ट, अब मैं इसमें एक चीज बता देता हूँ, इन क्या होता है, इन होता है अंदर, आपने प्रेपोजिशन तो सुनी होगी ना, इन, इन में होता है मे, अंदर, अंदर, ठीक है। एक इम्पोर्ट सुना होगा, एक एक्सपोर्ट सुना होगा, एक्सपोर्ट क्या होता है, बाहर निकालना, इम्पोर्ट होता है अंदर लाना, ठीक है, यही वही चीज है। इंट्रोवर्ट अंदर एक आएगा, अब इसका उल्टा आएगा, अब इसका विपरीत कह सकते हैं हम, ये रहा, इसका विपरीत आएगा, लेट्स डू इट टुगेदर, वो था अकेला, लेट्स लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ो, ये कहता है कि एक साथ काम करते हैं, लेट्स डू इट टुगेदर, एक साथ काम करते हैं, ठीक है। वो देखो इंट्रोवर्ट था, मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको एक वर्ड बता देता हूँ, एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट आ गया, वो इंट्रोवर्ट था, क्लियर। यहाँ पे यानी अब ये क्या होगा, वो दूसरों के साथ काम करने में खुश होगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एल्ट्रुइस्ट मैंने आपको कराया था ना, जो दूसरों की भलाई सोचता है, देखिए ये भलाई नहीं सोचता, ये काम करके दूसरों के साथ खुश होता है, उनके साथ पार्टी करके खुश होता है, इसको कोई लेना देना नहीं होता अपने किसी चीज से, लेकिन ये दूसरों के साथ खुश रहता है। एल्ट्रुइस्ट जो होता है वो दूसरों का वेलफेयर सोचता है, तो आपको एल्ट्रुइस्ट और एक्सट्रोवर्ट को एक साथ कंबाइन नहीं करना है, क्लियर। यहाँ पे चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यू वुड बी ग्रेट एज ए टीचर, काउंसलर, एडमिनिस्ट्रेटर, इंश्योरेंस एजेंट, तुम क्या हो कि एक अच्छे टीचर हो, काउंसलर हो, या प्रशासन चलाने वाले, एक इंश्योरेंस, या फिर एक इंश्योरेंस एजेंट भी हो। यू कैन ऑलवेज बिकम इंटरेस्ट सिंसियरली, और तुम विटली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल प्रॉब्लम, और तुम क्या करते हो, बहुत सिंसियर बंदे हो दूसरों के साथ, मतलब उनकी जो प्रॉब्लम होती है उनका मतलब कि उनको सुलझाते हो या बताते हो उनके बारे में। यू आर दी लाइफ ऑफ पार्टी बिकम बिकॉज यू नेवर वरी अबाउट द इफेक्ट ऑफ योर एक्शन, और तुम अपनी लाइफ को एक पार्टी की तरह जीते हो, तुम नहीं सोचते हो कि जो तुम कर रहे हो उसका दूसरों पे, जो तुम्हारे एक्शन है उसका इफेक्ट क्या होगा दूसरों के ऊपर, नेवर इनहेबिट, और अपने आप को कभी नहीं रोकते हो योर सेल्फ विद डाउट, तुम्हारे कोई डाउट्स हैं उसको पूछने में, या किसी चीज से उसको मतलब कि दूर करने में, अबाउट डिग्निटी, या डिग्निटी होती है मतलब कि एक क्या कहते हैं, अपना गर्व, अपनी एक अभिमान, अबाउट डिग्निटी, डाउट होता है अपनी डाउट किसी डिग्निटी पर, या फिर प्रोप्रियरिटी होता है योग्यता किसी चीज के ऊपर, आप मतलब कि कुछ अपने आप को रोकते नहीं हो किसी चीज के लिए।
यू आर यूजली हैप्पी, तुम खुश होते हो, जनरली फुल ऑफ हाई स्पिरिट, आपके अंदर मतलब एक हमेशा उत्साह रहता है, यू लव टू बी विद पीपल, लोट्स ऑफ पीपल, तुम क्या पसंद करते हो, तुम पसंद करते हो दूसरों की कंपनी, बहुत सारे लोगों का क्राउड पसंद करते हो, आप भीड़ पसंद करते हो, यूअर थॉट, यूअर इंटरेस्ट, योर होल पर्सनैलिटी आर टर्न आउटवर्ड, तुम्हारी 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 सोच, तुम्हारा इंटरेस्ट और तुम्हारी पूरी की पूरी जो पर्सनैलिटी है वो किस में बन जाएगी, वो बन जाएगी एक एक्स्ट्रोवर्ट, एक आप क्या बन जाओगे, एक एक्स्ट्रोवर्ट पर्सन बन जाओगे। वो देखो इंट्रोवर्ट क्या था, खुद में ही खुश रहना, इंट्रोवर्ट और एक्स्ट्रोवर्ट क्या है, जो दूसरों के साथ खुश रहे, जो लोगों के साथ खुश रहे, उनके साथ मतलब उनके साथ घुल मिल के रहे, वो बंदा एक्स्ट्रोवर्ट होते हैं। अब हम करने वाले हैं ना ही, वो कभी कभी इंट्रोवर्ट हो जाता है, कभी कभी एक्सट्रोवर्ट हो जाता है, दोनों ही वर्ड कभी कभी इंट्रो भी हो जाता है, कभी कभी एक्सट्रो भी हो जाता है, क्लियर। यहाँ पे उसको हम बोलेंगे एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट, क्लियर। लास्ट में आप अगर आप देख रहे होगे VERT, पिछले अभी दिखा देता हूँ, VERT, ठीक है, सारे के सारे क्या है, VERT पे खत्म हो रहे हैं। जब नेक्स्ट जब मैं कराऊंगा, सेकंड पार्ट जो मैं लेके आऊंगा, तो मैं इन चीजों के ऊपर बड़ा जोर देने वाला हूँ, ध्यान रखना इसका, वर्ट वर्ट क्या मतलब होता है। यहाँ पे देखो ये इन आ गया, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, लास्ट में ये आके चला गया क्या, देखो हाँ TORT, एक्सट्रोवर्ट आ गया यहाँ पे, ठीक है, EXT आ गया, एम्बीवर्ट आ गया, तो ध्यान देना है आपको इन चीजों पे। अब आप कहते हैं नीदर एक्सट्रीम, नीदर एक्सट्रीम का मतलब होता है कि ना ही आप इंट्रो हो ना ही आप एमबी हो, आप दोनों ही हो, मतलब पूरा एक्सट्रीम लेवल पे नहीं हो, ना इस साइड हो ना उस साइड हो, मतलब आप बीच में हो, यू हैव बोथ इंट्रोवर्टेड एंड एक्सट्रोवर्टेड टेंडेंसीज, यानी झुकाव होता है आपका दोनों ही क्वालिटी के अंदर, इंट्रोवर्ट के अंदर और एक्सट्रोवर्ट के अंदर, एट डिफरेंट टाइम, डिफरेंट डिफरेंट टाइम के ऊपर होता है, एंड ऑन डिफरेंट ओकेजन, मतलब कि आपका मूड कभी खराब होता है तो आप क्या करते हो कि आप भीड़ में हो, आप अकेला ही रहना पसंद करते हो क्योंकि आपका मूड फिलहाल खराब है, तब आप इंट्रोवर्ट बन जाते हो, लेकिन आपका मूड कभी अच्छा होता है, उस भीड़ को आप इंजॉय करते हो, तो आप एक्सट्रोवर्ट बन जाते हो। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम के ऊपर होता है, डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन के ऊपर होता है। योर इंटरेस्ट आर टर्न्ड इन अबाउट इक्वल प्रोपोर्शन बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, और जो तुम्हारे जो इमोशन है वो बिल्कुल ही पैरलर हो जाते हैं, मतलब कभी कभी आप इंट्रोवर्ट हो जाते हो, कभी कभी आप एक्सट्रोवर्ट हो जाते हो। इंडिड है ये IN, इंडिड, वास्तव में यू आर क्वाइट नॉर्मल इन सेंस दैट योर पर्सनैलिटी इज लाइक दैट द ऑफ मोस्ट पीपल, और जो तुम्हारी पर्सनैलिटी है वो कैसी हो जाती है, जो ज्यादातर लोगों की होती है, एक एम्बीवर्ट। तो ज्यादातर हमारे अंदर जो हम देखते हैं अपने आप, हमारे अंदर दोनों ही क्वालिटी मिलती है, इंट्रोवर्ट भी मिलती है और एक्सट्रोवर्ट भी मिलती है। इंट्रोवर्ट की कभी कभी हम हमारा मूड खराब होता है और हम क्या करते हैं, किसी की कंपनी पसंद नहीं करते, हम अकेले ही रहना पसंद करते हैं, तो उस चीज को हम इंट्रोवर्ट कहेंगे, लेकिन कभी कभी हमारा मूड जब अच्छा होता है तब तो हम एक्सट्रोवर्ट भी बन जाते हैं, तो हम एक एम्बीवर्ट है, जो ज्यादातर मोस्टली पर्सन की यही एक क्वालिटी होती है, एम्बीवर्ट होते हैं हर एक पर्सन, लगभग ज्यादातर मोस्ट ऑफ पर्सन क्या होते हैं, एम्बीवर्ट होते हैं, क्लियर। यहाँ पे हमारे 6 वर्ड हो चुके हैं और आई होप सो आप लोगों को अच्छे से चीजें क्लियर हो रही होंगी। ये जो जितना भी लिखा है ना, सेम टू सेम जो नॉर्मल लुइस की आप अगर आप बुक खरीद के भी लेके आओगे उसमें यही चीजें मिलेंगी, इवन एक भी वर्ड आपको मिसिंग नहीं मिलेगा, और यहाँ पे एक्स्ट्रा ये चीज मिलेगी कि आपको यहाँ पे हिंदी में मीनिंग भी मैं आपको प्रोवाइड कराता चल रहा हूँ, एक आपकी वोकैब भी यहाँ पे थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी जब आप इंग्लिश में चीजें पढ़ोगे और उसी के साथ उसका वर्ड भी लिखा होगा, तो मुझे लगता है कि बेस्ट वे है कि साथ ही साथ आपको किसी अभी डिक्शनरी में ना झांकना पड़े, उसी के साथ उस वर्ड का भी मीनिंग यहाँ पे लिखा हो, ठीक है। नेक्स्ट 7th वर्ड पे चलते हैं, ओके, पीपल आर नो डैम गुड। अब जो आप, मैंने एक जो स्टार्टिंग में आपको टीजर रिव्यू करवाया था, आप क्या करते हो कि लोगों को आप पसंद नहीं करते हो, ठीक है, वही चीज है, आप सोचते हो कि जो लोग हैं वो उतने अच्छे नहीं है, क्लियर। सिनिकल यानी रूखा, एम्बिटर्ड होता है कड़वा रुख, सस्पिशियस यू हेट एवरीवन, तुम्हारा रूखापन है, कड़वा है, और तुम हर किसी को क्या करते हो, हेट करते हो, स्पेशली बट नेवर टू बी एडमिटेड यूर सेल्फ, और तुम करते हो लेकिन कभी एडमिट नहीं करते इस चीज को, मतलब ये चीज ये बोल रहा है द परफेक्टिबिलिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, और मतलब कि किस चीज को तुम, मतलब कि परफेक्टिबिलिटी ऑफ ह्यूमन रेस को, मतलब कि तुम कभी मानोगे नहीं कि इंसान जो है वो कभी परफेक्ट बनेगा, तुम सोचते हो वो नॉनसेंस है, नो वे, द स्टुपिडिटी, उसे एक स्टुपिड बोलते हो, मीनस एंड दी क्रुकनेस, क्रुकनेस होता है जो धोखेबाज होता है इंसान, वो आप मोस्ट मोर्टल, आप बोलते हो कि जो इंसान होते हैं ज्यादातर धोखेबाज होता है, वो नॉनसेंस होता है, स्टूपिड हरकतें करता है, ये आप सोचते हो क्योंकि आप एक जो एक पर्सन बन गए हो, मोस्टली प्रोबली एल, आप क्या होते हैं, ये जो बंदा होता है ज्यादातर मोस्टली क्या होता है, वो बीमार होता है,
इसको आप बोलेंगे मिसएंथ्रोप। देखो आप बीमार को नहीं बोल सकते, लेकिन ये जो ऐसी जो थिंकिंग होती है वो बीमार पर्सन का ही होती है एक तरीके से। वो ये बोल रहा है, इसको एक तरीके से आप बोल सकते हो दैट इज योर फेवरेट थिंग आप। लेकिन जरूरी नहीं कि बीमारी पर्सन सोचे ये, तो आप एक अच्छे भले इंसान हो, आपके साथ बहुत कुछ बुरा हो चुका है, आप इनको इंसानों ने क्या होता है कि आपको लूटते ही चले जा रहे हैं, और आप क्या होते हैं उस इंसान नफरत करने लग जाते हो, इस एक प्रजाति से ना, इंसान की प्रजाति से नफरत करने लग जाते। तो आप भले ही बीमार ना हो, जरूरी नहीं कि बीमारी हो, बस ये इसने बताने के लिए बोल दिया। ज्यादातर क्या होता है बीमारी, लेकिन एक बीमारी नहीं कह सकते हम। मिसएंथ्रोप क्या होता है, एक ऐसा इंसान जो एक पूरे इंसानी जाति से नफरत करे। क्लियर, यहाँ पे एक इंसान की वो ये बोलता है कि पीपल जो होते हैं, पीपल आर नॉट नो डैम गुड, कुछ अच्छे नहीं होते हैं, लोग अच्छे नहीं होते हैं। मिसएंथ्रोप बंदा यही सोचता है। क्लियर, यहाँ पे अब आपको ध्यान देना है MIS के ऊपर। MIS चलता रहेगा अब यहाँ पे। अब आप बोलते हो वुमेन आर नो डैम गुड, औरत होती है वो अच्छी नहीं होती किसी को, मतलब कि औरत से आप नफरत करते हो। समटाइम इन योर डिम पास्ट, कुछ एक ऐसा घटा है आपके पास्ट में, अस्पष्ट है वो आप बता नहीं, उस पर धुंधला सा पास्ट है। यू वर क्रॉस स्कॉर्न्ड और डीपली वाउंडेड बाय ए वुमन, तुम्हें क्या है मारा गया, पीटा गया, मतलब कि खुरचा गया किसी एक महिला के द्वारा। ए मदर और मदर फिगर, फिर एप्स, एक माँ, जैसे कि एक माँ तो ऐसा नहीं करती, एक आप ऐसा कह सकते हो एक सौतेली माँ ज़्यादातर क्या होता है ऐसा कर देती है, या फिर कोई और औरत होती है जिससे आप डरने लग जाते हो, जिससे आपके पास रहे हो, ठीक है, एक सौतेली माँ ही समझ लो, ठीक है, जिस जो आपको मतलब कि मारा मारा है, आपको मतलब बहुत दुख दिया है। तो क्या होता है कि आपको उस नारी जाति से नफरत हो जाती है, आप सोचते हो कि ये सिर्फ नारी जाति है जो सिर्फ कष्ट ही देने वाली होती है, आप उसको सोचते हो सिर्फ। सो नाउ यू हैव ए केयरफुली कंस्ट्रक्टेड डिफेंस अगेंस्ट फर्दर हर्ट, यू हेट ऑल वुमेन। तुम क्या करते हो, अब अपने आप को उस दुख से बचाने के लिए आप क्या करते हो, अपने आप को बहुत ही ध्यान पूर्वक रखते हो, डिफेंस रखते हो, डिफेंड करते हो अपने आपको किसी भी औरत के नज़दीक आने से, या फिर आप उससे बात करने में, अब बस आप उससे नफरत करने लग जाते हो। आप क्या बन जाते हो, मिसो जैनिस्ट पर्सन, मिसो जैनिस्ट पर्सन। आपकी प्रोनाउंसिएशन भी मैं आपको कराऊंगा आने वाले, अभी इसी वीडियो में आपको मैं प्रोनाउंस भी कराऊंगा, वर्ड को आपको कैसे प्रोनाउंस करना है। क्लियर, यहाँ पे मिसो मिसएंथ्रोप बंदा होता है, वो नफरत करता है पूरी मानव जाति से। मिसो जैनिस्ट जो बंदा होता है वो सोचता है, वो नफरत करता है औरत से। क्लियर, यहाँ पे हिंदी आप खुद लिख लीजिए, या फिर मैं इसकी PDF जो है वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा ही दूंगा। क्लियर, यहाँ पे या फिर जैसे भी आपको, मुझे ये लगता है कि आप बस धीरे साथ ही साथ पढ़ते चलिए और प्रैक्टिस करते चलिए। मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पर भी जरूरत पड़ेगी इस चीज़ की कि आप लिखो, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब मैंने ये बुक पढ़ी तो यकीन मानो मैंने सिर्फ प्रैक्टिस की, इसी बुक के अंदर मैंने प्रैक्टिस की, और मैंने कहीं पर भी कोई नोट्स अपने नहीं बनाए कि मैं नोट्स बनाता लिखूं, मैं लिखूं कि मिस एंथ्रोप का मतलब हिंदी में ये होता है। मैं इसी चीज़ से समझ गया था, पीपल आर नॉट डैम गुड, मैं इसी चीज़ से समझ गया था कि आप समझ जाओ कि मिसएंथ्रोप का मतलब क्या होता है, जो लोगों से जो लोगों को पसंद नहीं करता, मिसोजेनिस्ट होता है जो औरतों को पसंद नहीं करता। क्लियर, यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता कि आपको नोट्स बनाने की जरूरत भी पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं है नोट्स बनाने की, जस्ट बी अटेंटिव एंड इसे केयरफुली सुनो, ध्यान से सुनो, अपना माइंड फ्री होके रखो इस चीज में, मजा आनेगा, क्योंकि आपको बहुत सी नई नई चीजें पता चलेंगी यहाँ पे। क्या यार ऐसी भी चीजें होती हैं, अच्छा ऐसे भी इस चीज को बोलते हैं। क्लियर, यहाँ पे, और ये वर्ड कहाँ से निकल गया ये आने वाले आपको पता भी चलेगा, इस वर्ड का मीनिंग यहाँ ये कहाँ से निकल गया, इससे और क्या क्या हम बना सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट वर्ड जो है, जो दो ही वर्ड बचे हैं हमारे सामने, अभी हमने देख लिया कि जो पूरी किसी क्या होता है कि पूरी मानव जाति से नफरत करता है एक, या फिर वो नारी जाति से ही नफरत करता है। अब एक होता है जो बंदा शादी से नफरत करता है आपने बहुतों को देखा होगा, अभी आप सलमान खान से आप कंपेयर कर सकते हो, शायद वो शादी से नफरत करते हैं इसलिए वो शादी नहीं कर रहे हैं। तो आप अगर उनसे अगर करना चाहे तो उन्हें आप बोल सकते हो मिसोगैमिस्ट पर्सन। चलो कर लेते हैं, वो होता है एक पर्सन होता है वो सोचता है मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन एंड हु वांट टू लिव इन एन इंस्टीट्यूशन। वो बोलते हैं कि मैरिज एक इंस्टीट्यूट है और कौन एक इंस्टीट्यूट में रहना चाहेगा, ये एक बंदे की थिंकिंग होती है। इस टाइप के बंदे को आप बोलते हो मिसोगैमिस्ट पर्सन। अब इसमें बोलता है यू विल नॉट मेक द अल्टीमेट लीगल कमिटमेंट, मेंबर ऑफ अपोजिट सेक्स आर ग्रेट एज लवर, रूममेट, अपार्टमेंट और हाउस। अब आप क्या हो, तुम क्या करते हो,
अल्टीमेट लीगल कमिटमेंट, तुम मतलब ये नहीं करोगे, तुम एक लीगल कमिटमेंट नहीं करोगे जो आपके साथ एक एक ऐसा मेंबर है जो आपके अपोजिट, आप मेल है, आप मेल है तो आपका अपोजिट यानी फीमेल, अगर आप फीमेल है आपका अपोजिट यानी मेल, आप उस अपोजिट मेल के बंदे के साथ आप एक अल्टीमेट यानी एक लीगल कमिटमेंट करने से डरते हो, आप वो करना नहीं चाहते हो उससे, ठीक है, भले ही वो आप उससे कितना प्यार करते हो, वो आपका रूममेट हो, अपार्टमेंट 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 और हाउस शेयर हो, बट नॉट एज लॉफुल, बट आप क्या करते हो उस लॉफुली आप उसे मतलब अपना दंपति पति या पत्नी आप उसे स्वीकार नहीं करते। क्या होता है ये, वो कहते हैं कि दी टाइज दैट बाइंड आर टू बाइंडिंग फॉर यू, जो आप उस गठबंधन में बंधते हो वो बहुत ही मतलब आपको बांध के रख देता है, आप ये सोचते हो, यू मे पॉसिबली बिलीव एंड पॉसिबली यू फॉर यूर सेल्फ बी राइट दैट कमिटमेंट इज डीपर एंड मोर मीनिंगफुल इफ फ्रीडम इज अवेलेबल विदाउट जुडिशियल प्रोसीडिंग। तुम ये सोचते हो कि भी बिना इस लीगल एग्रीमेंट के या बिना इस लॉफुल एक्टिविटी के जो तुम रह रहे हो वो फ्रीडम है, वो वैसी ही रहनी चाहिए, ये आपकी सोच होती है। आप मतलब एक शादी से उस चीज़ को आप नफरत करते हो, क्लियर, एक तरीके से बोला जाए तो आप उस चीज़ से मतलब एग्री कर रहे हो कि आप फ्रीडम महसूस कर, आप फ्रीडम चाहते हो, फ्रीडम इज अवेलेबल विदाउट जुडिशियल प्रोसीडिंग, मतलब आप बिना शादी के वो मतलब कि ये रूममेट लवर ये चीज़ें रहना आप पसंद करना चाहोगे। देखो ये मिसोगैमिस्ट एक पर्सन ऐसा होता है जो शादी से नफरत करता है, वो प्यार से नफरत नहीं करने या फिर वो एक साथ रहने से नफरत नहीं करता, वो सिर्फ एक लीगली उस गठबंधन में बंधे उस चीज़ से वो नफरत करता है कि वो सोचता है कि उसकी जो आज़ादी है वहाँ छिन जाएगी, ऐसी वो चीज़ें सोचता है, तो मिसोगैमिस्ट पर्सन आप उसे बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पर नेक्स्ट आ जाते हैं, दैट द फ्लैश इज हायर टू। अब आप ये होता है कि एक फ्लैश होता है एक मास या बदन या एक शरीर, उसके उत्तराधिकारी, आप समझोगे इस चीज का, सेल्फ डिनायल, आप क्या होता है सेल्फ डिनायल, ऑस्टेरिटी, तपस्या, लोनली कंटेम्पलेशन, चिंतन, दीज आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड लाइफ सो यू क्लेम। तुम क्या सोचते हो कि भाई तुम ये मानते हो कि सेल्फ डिनायल यानी हम मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप तपस्या करते हो, अकेले बैठ के चिंतन करते हो, ये आपकी लाइफ के करेक्टरिस्टिक्स हैं, आप सोचते हो कि यही एक अच्छी लाइफ है, द सिंपलेस्ट फूड एंड द लीस्ट अमाउंट ऑफ इट दैट विल कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। आप क्या करते हो एक सिंपल खाना लेते हो, सिंपल सा दाल रोटी सिंपल सी, और बहुत कम अमाउंट में लेते हो, और इतना लेते हो कि तुम्हारी जो शरीर जो आत्मा है वो एक साथ बनी रहे, कंबाइंड विद एब्सिस्टेंस, और आप नफरत आप परहेज करते हो, नफरत नहीं परहेज करते हो, एब्सटिनेंस परहेज करते हो किससे, फ्लैशली अर्थली प्लेजर, मतलब कि एक ऐसी लाइफ, मतलब आपको लग्जरी लाइफ नहीं चाहिए, आप मतलब कि आपको गाड़ी बंगला ये सब सुख सुविधाएं आपको चाहिए ही नहीं, आप उस चीज से दूर हो, उस चीज से विल इवेंचुअली लीड टू स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल जो बाबा होते हैं ना, जो असली में जो होते हैं वो ये चीजें करते हैं, स्पिरिचुअल परफेक्शन दैट इज योर फिलोसफी। तो आप ये आपकी फिलोसफी है कि अब आपकी एक आध्यात्मिक आपकी फिलोसफी बन जाती है। तो इस टाइप के बंदे को आप क्या बोलोगे, आप इस टाइप के बंदे को बोलोगे एसेटिक, या आप इस टाइप के बंदे को बोलोगे एसेटिक, जो बंदा सिर्फ तपस्या करता है और जो मतलब कि जिसको कोई लेना देना नहीं होता दुनिया के सुख दुख से, या वो बंदा लग्जरी लाइफ को मतलब उसे पसंद नहीं है, वो अकेला रहना अकेला है, मतलब यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे इंट्रोवर्ट की, ये बंदा इस लाइफ को अच्छी मानता है, ठीक है, वो परहेज करता है, ये बात भी करेगा, ये थोड़ा ना कि दूसरों से अलग रहेगा बात नहीं करेगा, ये बात भी कर लेगा, तपस्या करता है, अपने अकेले में चिंतन करता है, क्लियर, यहाँ पे तो उसे बोलेंगे एक एसेटिक पर्सन। हमने 10 वर्ड कर लिए हैं, अभी अभी आपको क्या करना है, अभी मैं इन 10 वर्ड की आपको प्रोनंसिएशन बता दूंगा कि कैसे इनको प्रोनाउंस करना है, क्लियर, यहाँ पे फिर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, 3 बार आपकी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा इसी वीडियो में, वीडियो आपको पॉज करती करना होगा, जब मैं कहूंगा वीडियो पॉज करना है तब आपको वीडियो पॉज करना है, तो क्या होगा देखो यार, जैसे जैसे मैं कहता चलूंगा ना, तो एक पेन कॉपी आप उठा लीजिएगा जब मैं बोलूँ ना वीडियो पॉज करूँ, तो अब बस आपको मार्क करना है, कुछ नहीं करना, बस मार्क करना है, या चलो देख लेंगे वो आने वाले टाइम में, सिंपल सा है, कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ एक तरीके से टेस्ट है कि आपको ये कितना समझ में आया, अगर आपको ये समझ में आ गया बहुत अच्छा अच्छी बात है, नहीं आया तो आप वीडियो फिर से देख लो, बिल्कुल इजी से पढ़ने, कोई कन्फ्यूजन तो है ही नहीं इन चीज़ों में कि आप याद ना कर पाओ, या इन चीज़ों को आप बहुत से 10 ही वर्ड किए हैं उनके पीछे कितना टाइम हो गया मुझे बोलते हुए, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये वर्ड याद करने में कोई मुश्किल हुई होगी। चलिए फिर इनकी प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं, देखो
हम कैसे इन वर्ड को यूज़ करते हैं। यू हैव बिन इंट्रोड्यूस 10 वर्ड, मैंने आपको 10 वर्ड आपको करा दिए हैं, आपने नोटिस किया होगा। यू हैव फर्स्ट कंसिडर दी आइडियाज़, तो आपने दैट दीज वर्ड रिप्रेजेंट, आपने पहले क्या देखा, ये वर्ड क्या आइडिया बताते हैं, क्या सोच बताते हैं। नाउ से द वर्ड ईच वन इज रिस्प्लेड फोनेटिकली सो दैट यू विल बी श्योर टू प्रोनाउंस इट करेक्टली। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको प्रोनाउंस करने की कोशिश करनी है। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू कम्प्लीट मास्टरी। देखो, अगर आपको अच्छे से वर्ड को मतलब कि अगर आपको कहीं यूज़ भी करना है, आपको शर्मिंदगी भी महसूस नहीं करनी कि भी हाँ भी मैं एक अच्छा मास्टर इसके अंदर बन सकता हूँ, मेरी प्रोनंसिएशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। एज़ यू हियर ए वर्ड इन योर ओन वॉइस, और आपको अपनी खुद वॉइस में सुनना पड़ेगा, आपको लाउडली बोलना पड़ेगा, इतना भी लाउड नहीं कि पड़ोसी को सुना दो, मतलब इतना कि आप अपनी वॉइस सुन सको अच्छे से। थिंक ऑफ इट्स मीनिंग, और फिर आपको मीनिंग सोचना है। आर यू क्वाइट क्लियर अबाउट इट, और आपको लगता है कि जो आपने बोला वो सही बोला है और आप उसके मतलब जो मीनिंग है वो सही है। इफ़ नॉट, री इन्फोर्स यूअर लर्निंग बाय री रीडिंग दी एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ और पैराग्राफ्स। आपको क्या करना है, अगर आप इस चीज़ पर क्लियर नहीं होगी जो आपने बोला है वो जो आपने सोचा है वो मीनिंग नहीं है, तो आपको फिर से ये वीडियो फिर से देखनी होगी, या फिर आपको जल्दी जल्दी वो मतलब कि जो लिखा है, मैंने क्या किया, जितना भी इंग्लिश में लिखा है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करता हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको याद करने में, इसकी पीडीएफ ले लेना, पीडीएफ है आपको मिल जाएगी, बस आपको एक बार नज़र ही फेरनी है, वो वर्ड आपको अच्छे से याद हो जाएगा। क्लियर यहाँ पे? तो अब इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, देखो ईगोइस्ट, यहाँ पर देखो ई डब्ल गो ईगो ईस्ट ईस्ट, और यहाँ पर हो गया ईगो ईस्ट, तो यहाँ पर ईस्ट अलग हो गया, गो यहाँ पे ई डबल ई के एक साउंड आपको देना है, ई गो ईस्ट, ईगोइस्ट आपको बोलना है, ईगोइस्ट। क्लियर? यहाँ पे ईगोटिस्ट ये कैसे बोलना है, वैसे ही अलग अलग करना है, ईगो ई गो टिस्ट, टिस्ट क्या पे बोलना है, TIST टिस्ट, तो ईगोटिस्ट, तो आप बोलोगे ईगोटिस्ट। क्लियर? यहाँ पे एल्ट्रुइस्ट, एल्ट्रुइस्ट देखो यहाँ पे एल एल्ट्रुइस्ट एल्ट्रू एल्ट्रुइस्ट एल्ट्रुइस्ट ईस्ट से स्टार्ट करना है, एल ट्रू इस्ट। क्लियर? यहाँ पे एल्ट्रुइस्ट। यह आता है इंट्रोवर्ट 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 इंट्रोवर्ट। क्लियर? यहाँ पे इंट्रोवर्ट, ये एक्सट्रोवर्ट एम्बीवर्ट। अब ये तो क्लियर हो जाएंगे ना, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट एम्बीवर्ट। अब आते हैं मिस एंथ्रोप, मिस ये हो गया, मिस ए एन को बोलेंगे ई एन, मिस एंथ्रोप ये हो गया थ्रोप, इसको आपने सेम टू सेम थ्रोप यहाँ से ई गायब कर रखा है। ये प्रोनंसिएशन है, ये स्पेलिंग नहीं है, आप ये प्रोनंसिएशन है, आप कैसे बोलोगे मिस एंथ्रोप मिस एंथ्रोप। अब यहाँ पे मिसो ये देखो जी लगा हुआ है लेकिन यहाँ पे जे का साउंड आना चाहिए, मेसोजेनिस्ट मेसोजेनिस्ट मेसो मैसोज मैसोजे मैसोजेनिस्ट मैसोजेनिस्ट मैसोजेनिस्ट। क्लियर? यहाँ पे मिसो मैसो मैसोजी जी के साउंड आने चाहिए, वहाँ पे मैसोजेनिस्ट या मैसोगेम मैसोगेमिस्ट मैसोगी मैसोगेमिस्ट मैसोगेमिस्ट। यह पर यह एसेटिक ए सेट इक ए सेट इक एसेटिक एसेटिक। क्लियर? यहाँ पे अगर शायद थोड़ा सा आपको फिर से मुझे लगता है कि रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, तो वीडियो पॉज करके खुद एक बार आपको ये वर्ड खुद बोल के देखने, इजी से कर लोगे, जिन्होंने पहली बार में कर लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं कर पाया प्लीज़ एक बार इनको प्रोनाउंस जरूर करना, बहुत अच्छी चीज़ है। आपको मतलब कि एक बार प्रोनाउंसिएशन करोगे तो आपको वो वर्ड फिर से आप रिविजन कर रहे हो उनका, ये समझ लो। अब आप करने वाले हैं इनकी प्रैक्टिस। क्लियर? अब आपको सिंपल क्या करना है कि ये मैंने दे रखा है कि ए के साथ क्या आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इन चारों में से ए के वन के साथ कौन सा आएगा, सेकंड के साथ क्या आएगा, आपको बस उसके आगे क्या करना है। जैसे कि सपोज करो मैं इसके सामने लगा लेता हूँ ये ए, नहीं ए नहीं लगाता, मैं लगा देता हूँ ए, ए जो है ये जो वन है ईगोइस्ट, ये ई को रिप्रेजेंट करता है, यानी ई को रिप्रेजेंट करता है, मैंने बस बताया है, यानी या तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे आप एक ऐसे लाइन लगा दो, सिर्फ और सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ अभी फिलहाल ये सही है। क्लियर? हम सही अभी करेंगे, तो बस आपको क्या करना है, सिर्फ लाइन ही यहाँ पे मारनी है या फिर उसके सामने आपको क्या करना है, लिखना है। तो वीडियो पॉज करो और जल्दी से लिखो, बिल्कुल इजी सा है। आपको या तो आप ये पढ़ लो कि इगोइस्ट क्या पर्सन होता है, फिर आप ये सारी की सारी स्टेटमेंट पढ़ो, या फिर पहले ही स्टेटमेंट पढ़ लो। चलो जल्दी से कर लो जो भी आप करना चाहते हो, फिर मैं करवाता हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो मैं ये इगोइस्ट, हमें पता है कि इगोइस्ट क्या बंदा, इगोइस्ट कौन सा बंदा होता है, इगोइस्ट वो बंदा होता है
जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो हम यहाँ आते हैं, टर्न थॉट्स इनवर्ड, जो जिनकी सोच खुद के अंदर बदल जाती है, नहीं भाई ये तो वो बंदा हो नहीं सकता। तो हम यहीं से कर लेते हैं, ये किसका, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, टर्न्स थॉट इनवर्ड, जिसकी सोच खुद अंदर ही अंदर बनती रहती है, जो बंदा सिर्फ अपने लिए सोचता रहता है, कौन होता है वो, किसके जो थॉट हैं जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचे, जो मतलब कि लोग अपने मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, बस ऐसे फालतू के क्वेश्चन पूछ रहे, वो होता है इंट्रोवर्ट। अब मुझे बताओ इंट्रोवर्ट कहाँ है, ये रहा चौथा। तो आप कहेंगे कि ये जो चौथा है वो ए को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर, यहाँ पे ये ए को रिप्रेजेंट कर दिया चौथे ने। आ जाओ भाई, हेट मैरिज, जो शादी से नफरत करता है, मिसोगैमिस्ट, मिसोगैमिस्ट आप देख लें, ये रहा मिसोगैमिस्ट। तो आप कहोगे कि नाइन्थ जो है वो बी को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर यहाँ पे ना। टॉक्स अबाउट अकॉम्प्लिशमेंट, खुद की उपलब्धियों के बारे में बात करना, कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, तो खुद की उपलब्धियों के बारे में बात करने वाला इगोटिस्ट, क्लियर, यहाँ तो दूसरे का ये हो गया, सी हो गया। हेट पीपल, जो लोगों से नफरत करता है, लोगों से नफरत करने वाला, तो मिसएंथ्रोप हो गया, मिसएंथ्रोप हो गया, तो ये हो गया सातवें का, डी हो गया आपके सामने। डज नॉट परस्यू प्लेजर ऑफ द फ्लैश, मतलब कि जो शारीरिक भोग के पीछे नहीं भागता है, कौन होता है, एसेटिक, एक ऐसा बंदा जो सिर्फ मतलब उसे सिंपल खाना ही चाहिए होता है, इतना कुछ नहीं, लग्जरी लाइफ से दूर रहते हैं। इज इंटरेस्टेड इन वेलफेयर ऑफ अदर, जो दूसरों के इंटरेस्ट में मतलब अपना अपना भला सोचता है, वो एल्ट्रुइस्ट होता है, ठीक है। आपको मैंने बताया था ना, आपकी माँ का आप उदाहरण ले सकते हैं। बिलीव इन सेल्फ एडवांसमेंट, जो खुद का भला सोचता है सिर्फ, जो खुद का, एक तो होता है दूसरों का भला सोचता है, एक होता है खुद का भला, वो होता है इगोइस्ट पर्सन। तो पहले का हम जी बोलेंगे, बी पहले का हमारा जी हो गया, क्लियर यहाँ पे, पहले का जी हो गया। अब यहाँ पे टर्न थॉट बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, दोनों ही सोच होती है उसकी, अंदर भी होती है और बाहर भी होती है, तो होता है एम्बीवर्ड। तो छठे का एच हो गया। अब जो औरत से नफरत करता है, औरत से नफरत कौन करता है भाई, मिसो, मिसो कहाँ गया, मिसोजैनिस्ट, मिसोजैनिस्ट, ये हो गया मिसोजैनिस्ट। आठवें का आई हो गया, मिसोजैनिस्ट। टर्न थॉट्स आउटवर्ड, तो मतलब अब यहाँ पे एक ही बचा एक्सट्रोवर्ट, तो हम बोलेंगे पांचवें का आ गया आपके सामने जे, क्लियर यहाँ पे। ये तो थी आपकी प्रैक्टिस, आई होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये प्रैक्टिस करके। अभी तो और भी है, एक दो प्रैक्टिस हो रहे हैं, फिर इसके बाद ये खत्म होता है। चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस और देखते हैं। अब आओ, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये स्टेटमेंट पढ़नी है और आपको बस ये बताना है कि स्टेटमेंट सही है नहीं है आपको। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ कि इज एन इगोइस्ट सेल्फिश, क्या एक इगोइस्ट सेल्फिश होता है, यस सर नो में आपको जवाब देना है, हाँ यस भाई होता है, तो आपको यस के ऊपर टिक करना है, बस यही करना है आपको। स्टेटमेंट पढ़नी है, वो बताना है कि वो पर्सन वो चीज होता है या नहीं होता, यस सर नो में करनी है, क्लियर। वहां पे पॉज करो, वीडियो स्टार्ट कर दो। चलो अभी करें। इज मॉडेस्टी यानी नम्रता, नम्रता वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ इगोटिस्ट, क्या विनम्रता या नम्रता एक करेक्टरिस्टिक होती है इगोटिस्ट की पर्सन की। मैंने क्या बताया, इगोटिस्ट पर्सन क्या होता है, खुद की बड़ाई मारने वाला, क्या उसमें नम्रता मिलेगी आपको कहीं पर भी, विनम्र मिलेगा वो, नहीं वो नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इज एन एल्ट्रुइस्ट सेल्फिश, क्या एल्ट्रुइस्ट बंदा सेल्फिश होता है, नहीं भाई, एल्ट्रुइस्ट पर्सन तो दूसरों का भला सोचता है, तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, नो ये गलत है, ऐसा नहीं होता। डज एन इंट्रोवर्ट पे मच अटेंशन टू हिमसेल्फ, इंट्रोवर्ट पर्सन बंदा तो अपने आप को ही टेंशन बन देता है, अपने आप के बारे में घुसा रहता है सारा दिन, तो यस यस ये होगा यहाँ पे। डज एन एक्सट्रोवर्ट प्रेफर सॉलिट्यूड टू कंपेनियनशिप, क्या जो एक्सट्रोवर्ट पर्सन होता है वो एकांत को ज्यादा प्रेफर करता है देन दूसरों के साथ से, नहीं भाई वो तो दूसरों का साथ ज्यादा चाहता है, तो हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, नो गलत है। अब आगे, आर मोस्ट नॉर्मल पीपल एम्बीवर्ट, क्या ज्यादातर जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो एम्बीवर्ट होते हैं, यस मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट, आपने अगर पढ़ी हो तो वहां पे, यस। डज ए मिसेंथ्रोप लाइक पीपल, मिसेंथ्रोप, मिसेंथ्रोप तो लोगों को नफरत करता है तो वो पसंद कैसे कर सकता है, नो भाई ये गलत हो गया यहाँ पे। डज ए मिसोजेनिस्ट पर्सन इंजॉय द कंपनी ऑफ वुमेन, नहीं भाई मिसोजेनिस्ट पर्सन तो औरत से नफरत करता है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गई हमारी, क्लियर। डज एन एसेटिक एसेटिक लीड ए लाइफ ऑफ लग्जरी, जो एसेटिक पर्सन होता है क्या वो लग्जरी लाइफ को पसंद करता है, नहीं भाई गलत है, वो तो दूर रहता है ना लग्जरी लाइफ से। डज ए मिसोगैमिस्ट ट्राई टू अवॉइड मैरिज, यस एक मिसोगैमिस्ट पर्सन होता है वो तो अवॉइड ही करता है ना मैरिज को, तो हम कहेंगे यस, क्लियर यहाँ पे। अब आपको आपको देखना है कि आप कितना परसेंट जा रहे हो सही,
आपका उसका 10 में से कितना परसेंट, 10 में से कितने नंबर आए हैं आपके, और इस 10 में से कितने नंबर आए हैं आपके, एक आपके लास्ट में जो है इसका आपको टोटल आपको देखना पड़ेगा। सॉरी, अब फिर से, अब यहाँ पर आपको स्पेलिंग करनी है भाई, यहाँ पे आपको स्पेलिंग करनी है कि भाई सिंपल सी चीज है, यहाँ पे क्या है, वू लिव ए लोनली ऑस्ट्री लाइफ। अब आपको मैंने आपको बता दिया था कि कौन होते हैं वो बंदे, बस सिंपल से आपको यहाँ पे स्पेलिंग लिखनी है। तो आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करनी है और सिंपल वो वर्ड यहाँ पे पुट करना है। चलो वीडियो पॉज करो और स्टार्ट कर दो, करें स्टार्ट। तो पहला यहाँ पर आएगा हु लिव ए लोनली ऑस्ट्री लाइफ, क्या होता है वो, होता है एसेटिक, ASCETIC, एसेटिक, ओके एसेटिक। हुज इंटरेस्ट आर टर्न्ड आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब बन जाता है, मतलब वो उसकी सोच दूसरों के साथ अच्छा रहना उसे पसंद करते हैं, तो उसे बोलेंगे हम एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। क्लियर, यहाँ पे एक हिंट मैंने देता हुआ चल रहा हूँ यहाँ पे आपको, हु इज सुप्रीमली सेल्फिश, खुद के सेल्फिश होता है वो बंदा, खुद के बारे में ही सोचता है, तो हम बोलेंगे इगोइस्ट, इगोइस्ट उसे बोलेंगे इगोइस्ट। क्लियर, यहाँ पे हु हेट पीपल, जो लोगों से नफरत करता है ये होता है मिस एंथ्रोफ, मिस एंथ्रोफ। क्लियर, हुज इंटरेस्ट आर टर्न्ड बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, जिसके जो इंटरेस्ट होते हैं कभी इनवर्ड हो जाते हैं कभी आउटवर्ड हो जाते हैं, उसे बोलेंगे हम, ए से स्टार्ट होता है एम्बीवर्ट, उसे बोलेंगे हम एम्बीवर्ट। नेक्स्ट, हु इज इनक्रेडिबली कंसिस्टेड, कंसिटेड मतलब कि बहुत ज्यादा उसमें गुमान होता है, वो होता है इगोटिस्ट, उसे कहेंगे हम इगोटिस्ट। आगे, हु इज मोर इंटरेस्टेड इन वेलफेयर ऑफ अदर देन इन हिज ओवन, वो अपने खुद से ज्यादा दूसरों का भला चाहने वाला, वो होता है एल्ट्रुइस्ट, एल्ट्रुइस्ट उसे कहते हैं, ALTRUIST, एल्ट्रुइस्ट। हु हेट्स वुमेन, जो औरत से नफरत करता है, जो औरत और मतलब औरतों से, फीमेल से नफरत करता है, वो होता है मिसो, MISOG वाई, मिसोजेनिस्ट, मिसोजेनिस्ट, JGYNIST। हुज इंटरेस्ट आर टर्न्ड इनवर्ड, मतलब कि खुद में ही खोया रहता है, इंट्रो वर्ड, इंट्रोवर्ट। ओके, हु हेट मैरिज, जो शादी से नफरत करता है वो होता है मिसो गैमिस्ट, उसे बोलते हैं मिसोगैमिस्ट, मिसोगैमिस्ट। क्लियर, यहाँ पे ये तो थी, आपने स्पेलिंग कर ली, इससे पहले आपने ये सर नो का जवाब दे लिया, और उससे पहले आपने लाइन का जो था किसका किसके साथ आएगा वो आपने देख लिया, और प्रोनंसिएशन भी आपने कर ली, मैंने वर्ड भी आपको बता दिए 10 वर्ड, और मुझे नहीं लगता कि ये 10 वर्ड आप भूल पाओगे ना चाहते हुए भी, बहुत मैंने कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की, अगर फिर भी आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर नहीं हुए तो वीडियो फिर से देखो, और कहता हूँ कि भाई ये जो PDF आपको जब मिले तो आपको क्या करना है, ये जो प्रैक्टिस है बस ये प्रैक्टिस करनी है आपको, और कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस में बस लिखते चलना है आप, करते मतलब कि आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाएगी वहां पे। क्लियर, यहाँ पे तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, और चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब कर नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना, और शेयर करना जितना हो सके, क्योंकि ये वीडियो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सिखाता है कि क्लास में इन चीज़ों को खुद सेल्फ स्टडी भी करना, देखो सेल्फ स्टडी भी अच्छा होता है, तभी मैंने चैनल का नाम भी सेल्फ स्टडी रखा है। देखो आप खुद करोगे, यहाँ पे सेल्फ स्टडी ही तो करवा रहा हूँ एक तरीके से, आप खुद करोगे तो अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है, और कईयों के पास ये बुक नहीं होती तो ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप देखोगे तो मतलब आपको अच्छे से चीज़ें हो जाएंगी। क्लियर, तो फिर वही चीज़ें, पसंद आई है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।